भाईचारा, इज्जत, तपस्या। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, जीने का तरीका दिखाया। और गांधी जी जब हे राम कहते थे, उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भावना को लेकर हमें जिंदगी जीनी है। ये है हे राम। दूसरा नारा, फिर उन्होंने कहा देखिए एक नारा हे राम, सुनो सुनो डिस्टर्ब मत करो, एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिंदगी जी, जो उन्होंने तपस्या किया की, जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, जो उन्होंने प्यार फैलाया, भाईचारा फैलाया, वैसे ही अपनी जिंदगी जीना। दूसरा नारा जय सियाराम, जय सियाराम। अब जय सियाराम का मतलब क्या है ये पंडित जी ने मुझे बताया, सीखा हूं मैं यात्रा में बहुत कुछ सीखा हूं। जय सियाराम का मतलब क्या है, दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सियाराम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं, सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सियाराम या जय सीताराम। सही मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही। तो जब हम जय सियाराम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। सही। जय सियाराम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी, भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही, ठीक है। तो